ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः, ओम साई राम, जय साई राम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साई तेरे नाम चैनल पर। साई तेरे नाम प्रस्तुत करता है सवाल आपके जवाब साई के। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। साईं बाबा। साईं बाबा कलयुग के भगवान हैं, जो अपने भक्तों की बहुत जल्दी सुनते हैं। अगर हम बाबा को श्रद्धा और प्रेम से याद करते हैं तो बाबा दौड़े दौड़े चले आते हैं। जो भक्त साईं को दिल से प्रेम करते हैं वे बाबा के बताए हुए मार्गदर्शन पर ही चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए आप भी अपने सवालों के जवाब जानिए बाबा से। स्क्रीन पर दिखाए गए 4 फ्लावर्स में से आपको कोई भी 1 फ्लावर चूज करना है। सबसे पहले 2 मिनट के लिए बाबा का ध्यान करिए और सोचिए कि आप बाबा के समक्ष खड़े हैं, बाबा के मंदिर में खड़े हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देवा, हमारी शंकाओं को दूर करिए, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। अगर आप येलो कलर का फ्लावर चूज करते हैं तो आपका लकी नंबर होगा 313। भगवान की माया और लीला दोनों के विस्तार की अनुभूति होगी। आस्था बनी रही तो काम भी बनेगा। यहाँ बाबा आपको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भगवान पर विश्वास बनाकर रखिए। आपके काम कब पूरे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ईश्वर कब और कहाँ कोई चमत्कार कर दे, इसलिए आस्था बनाकर रखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ग्रे कलर का फ्लावर चूज किया है तो आपका लकी नंबर होगा 371। मन से संदेह निकाल दे, श्री साईं बाबा को देसी घी के हलवे का प्रसाद चढ़ाकर बांटे, तुरंत सफलता होगी। यहाँ बाबा आपको कह रहे हैं कि अपने मन से कोई भी, जो भी आपके मन में कोई डाउट चल रहा है उसे निकाल दीजिए और बाबा पर पूर्ण विश्वास रखिए और देसी घी का हलवा प्रसाद के रूप में बाबा के मंदिर में जाकर चढ़ाइए और बांटिए, आपको तुरंत सफलता मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ग्रीन कलर का फ्लावर चूज किया है तो आपका लकी नंबर होगा 364। जो कल था वह बीत चुका है, जो कल आएगा वह अभी है नहीं, आज ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्षण का सदुपयोग करो। भूतकाल को रोने और भविष्य की कल्पनाएं सजाने की बजाय आज ठीक कार्य करें। समय को व्यर्थ के कामों में नष्ट ना करें। बाबा यहाँ आपको कह रहे हैं कि जो कल चला गया है यानी आपका पास्ट, वो बीत चुका है। पास्ट में जो भी बातें हुई हैं उसे याद रखने में कोई फायदा नहीं है, और जो कल अभी आया ही नहीं है यानी फ्यूचर में क्या होना है उसकी चिंता भी करने का कोई लाभ नहीं है। जो अभी है वह है आज यानी प्रेजेंट में ही जियो। अपने आज को सफल बनाओ, प्रेजेंट को सफल बनाओ। समय बहुत कीमती है, उलझनों में मत पड़ो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने रेड कलर का फ्लावर चूज किया है तो आपका लकी नंबर होगा 361। आपकी किस्मत का सितारा बुलंद है, निश्चिंत होकर आगे बढ़ें, सफलता प्राप्त होगी। साईं सिमरन की शक्ति साथ ले लें तो और भी चमत्कारी उपलब्धि होगी। यहाँ बाबा आपको बताना चाहते हैं कि आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक दिन आपका बहुत नाम होगा। बिना किसी चिंता के टेंशन फ्री होकर लाइफ में आगे बढ़ते रहें। अगर साथ में आप साईं बाबा के नाम का स्मरण करेंगे तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, सब काम अच्छे से हो जाएंगे और आपको बहुत कुछ जीवन में हासिल होगा जो कि एक चमत्कार से कम नहीं होगा। इसी आशा के साथ आपको अपने आंसर्स मिल गए होंगे। मैं साईं ज्योति विदा लेती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक साईं स्मरण करिए, अच्छे कार्य करते रहिए। और आज की सीख है, अगर आप साईं से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमें किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी। सामने वाला तुम्हारे प्रति कितनी भी ईर्ष्या क्यों नहीं रखता हो, लेकिन हमें उसे कोई जवाब नहीं देना, क्योंकि उसे हम नहीं साईं जवाब देंगे। हमें अपने बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलते रहना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।